भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह अवतार लिया था। राजस्थान के बीकानेर में भी भगवान नरसिंह के 5-6 मंदिर हैं। इनमें सबसे पुराना लखोटिया चौक स्थित मंदिर है। नरसिंह जी का मंदिर बीकानेर में एकमात्र यही बताया जाता है, इसके अलावा कोई मंदिर नहीं था। इसके बाद में धीरे धीरे सने सने जैसे जैसे समय बीतता गया और भी कई नरसिंह जी के मंदिर बनते गए, लेकिन सबसे पुराना मंदिर जहाँ तक हमारी जानकारी है यही है। यह मंदिर करीब 500 साल से भी ज्यादा पुराना है। यह दावा भी किया जाता है कि यह मंदिर बीकानेर की स्थापना से पुराना है, लेकिन उसके कोई साक्ष्य नहीं मिलते। हम लोगों ने अपने पुरखों से सुन रखा है और हमारे पास में कुछ दस्तावेज है जिनके आधार पर 1575 में मंदिर का जो है निर्माण कार्य किया गया। पुराने बीकानेर शहर के जिस भीतरी क्षेत्र में ये मंदिर स्थित है, कभी वहाँ पानी की तलाई हुआ करती थी। यहाँ पर नागा साधु पूजा किया करते थे। नागा साधुओं के द्वारा जो है नरसिंह भगवान की पूजा होती थी और उसके बाद में लखोटिया जाति जो है उनके द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया। कहा जाता है कि जिस जगह भगवान नरसिंह ने पृथ्वी पर अवतार लिया था वह जगह मुल्तान थी। मुल्तान अब पाकिस्तान में है। हमने पूर्व सुन रखा है कि यह मूर्ति मुल्तान से आई थी, उसमें नागा साधु रहते थे, उनको ये मूर्ति भेंट की गई थी। यह भी कहा जाता है कि मुल्तान में भगवान नरसिंह का मुखौटा पहनकर पात्र मंचित करने वाले व्यक्ति ने नरसिंह लीला के दौरान हिरण्यकश्यप बने व्यक्ति का वध कर दिया था। उसके बाद उसी को शहर नहीं किया तो यहाँ बहन जी जो है ना बहुत बड़ी तपस्वी थे, तो उन्होंने जो किसी तरह से बात उनके कानों में आई तो उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ भेज दो। उसके बाद भगवान नरसिंह का ये मुखौटा मुल्तान से बीकानेर लाया गया और विधिवत पूजा अर्चना कर इसे मंदिर में स्थापित कर दिया गया। तो इसके बाद से काफी जो आज भी जो है चेहरे पे जो है रंगत क्या, इसमें उत्साह क्या, बढ़ने वालों को इतना उत्साह हो जाता है कि 1 घंटे का टाइम उसको देते हैं तो 2 घंटे तक नाच सकता है। भगवान नरसिंह और हिरण्यकश्यप के पात्र जिन मुखौटों को पहनते हैं वह बाकी मंदिरों में अष्ट धातु और अन्य तरह से बने होते हैं, लेकिन इस मंदिर में रखे मुखौटे 500 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। यह भी मुल्तान से ही आए हुए हैं। किसी प्रकार की अन्य धातु इसमें नहीं है, केवल मिट्टी और कागज वगैरह जो है इनसे ही बनाए गए ये मुखौटे हैं। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यही मुखौटे एक ऐसे हैं जो हल्के हैं। जो भी हिरण्यकश्यप या नरसिंह जी बनते हैं, इतना आपको पता है इतनी गर्मी का मौसम होता है ये, उसमें बहुत पसीना आता है, तो ये ऐसी पदार्थ से बने हुए हैं कि पसीने को सोखते रहते हैं। बीकानेर में हर साल नरसिंह चतुर्दशी के दिन नरसिंह अवतार और हिरण्यकश्यप के वध को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा होते हैं। आज तक वही मुखौटे अभी तक भी काम में आ रहे हैं। आप यदि उन मुखौटों को देखेंगे तो आपको लगेगा अभी भी उनमें वैसी ही चमक बरकरार है जैसी कि शुरुआत में हुआ होती थी। यहाँ मेला भी भरता है। पिछले 500 सालों से यह परंपरा चली आ रही है। जब नरसिंह जी का मेला आता है, इससे पूर्व इनकी जो है निकाल करके इनकी थोड़ी बहुत जो रिपेयर करके पुनः यही मुखौटे हमेशा काम में लिए जाते हैं। मंदिर में सोने की नक्काशी और कलाकारी से चित्रकारी बकाए दांतों तले उंगली दबाने को विवश कर देती है। नागा साधुओं ने इस मंदिर की स्थापना की थी। धीरे धीरे लोग मंदिर को भव्य रूप देने के लिए आगे आए। अब मंदिर अपने पूर्ण रूप में है। ब्यूरो रिपोर्ट, एटीवी भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।